हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रक। ये कि नहीं होता कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देख के जो कि 2015 में इसी में एक नंबर में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, और यकीन मानिए 10 सेकंड के अंदर आने वाले आंसर हैं इसके। बताइए, इतने इजी इजी क्वेश्चन गेट भर भर के दे रहा है और उसके बाद भी रैंक ना लाएंगे तो फिर यार बड़ा अन्याय होगा खुद के साथ, है कि नहीं? अब आप सोचो कि सर सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़े होते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे चाहिए क्या? एकदम लल्लू वाले आउट ऑफ 65 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लल्लू हो जाएंगे? लल्लू हो जाएंगे तो फिर आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा? क्योंकि जिस रैंक पे आप खड़े होंगे वहाँ रैंक पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे। भाई फिल्टर ऐसा होता है कि वाकई में वो फिल्टर आउट कर दे, है कि नहीं? अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज, अब हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं वो देखो भाई। एक बंदा वो है जो कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर है, और कुछ बंदे ये हैं जो पाथ फॉलो करेंगे जो उनको दिखाया जा रहा है। वो बोल रहा है कि ए दे दिया, उसका ए ट्रांसपोज निकालोगे, फिर ए इनवर्स निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और जो बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे एंड देन आंसर को मैच करोगे। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? सर सीधी बात पूछा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज गुणा दिस इज, तो हमें पता है सर आपने पढ़ाया था इनिशियल टाइम में कि यदि मेरे पास लिखा है दिस, ये दो क्वांटिटी लिखी हुई है और इनका यदि डिटरमिनेंट पता करना है लाइक दिस, तो इनका डिटरमिनेंट वही होगा क्या होगा? ये इनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई के बराबर ये होगा। तोड़ सकते हैं, हम पढ़े हैं ये समझे हैं, ए गुना बी 2 मैट्रिक्स हुए, डिटरमिनेंट पता कर लो इंडिविजुअली, ए का कर लो बी का कर लो, बात बराबर होनी है, ये बात तय है। ओके सर, ये होना है। सर अब हमने पढ़ा था कि सर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही है, तो क्या इसको ए का डिटरमिनेंट लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी? अब हमने पढ़ा था ए इनवर्स का डिटरमिनेंट या फिर 1/a का डिटरमिनेंट, बात एक ही है, ये सब कुछ हमने पढ़ा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। अब आप बताइए बड़े प्यार से, ये दोनों एक दूसरे को काट दिए तो कितना आया जी? 1। इस आंसर को करने में कितना समय लेंगे? बहुत चन्नी सा समय लेंगे, लेकिन शर्त है उसके लिए। और शर्त क्या है सर? शर्त सिर्फ इतना सा है कि कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर होने, अदरवाइज चलिए मान लेते हैं इस प्रोसेस को करने में भी आपने 30 सेकेंड्स ले लिए, मान लेता हूँ मैं, लेकिन चूंकि छोटा क्वेश्चन है और बाय दिस वे जाते कि ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो मैं नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कोई ह्यूज समय लेने वाला है, लेट्स से कि 1 मिनट में आप कर देंगे, ठीक है? हालांकि 1.5 मिनट लगेगा लगभग, लेकिन चलिए 1 मिनट में भी आपने किया। तो यदि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं बेटा, तो 30 सेकेंड्स की सेविंग होगी। क्या होगी जी? सेविंग। अब यकीन मानिए कि गेट के एग्जामिनेशन में समय की सेविंग ही सब कुछ होती है। लाइफ में सेविंग के नाम पे पैसा होना, अलग अलग चीज़ें होना जो काम आती है, एग्जामिनेशन में समय होना जो काम आता है अच्छे रैंक लाने के लिए। क्या था माइंडसेट आईआईटी का? सीधा सा माइंडसेट था, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं वो तुरंत करके निकल जाएं, और जो वो फंस जाएं या समय बिता दें। हो सकता है ए ट्रांसपोज निकालेगा, ए इनवर्स निकालेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, कहीं पे एरर कर दे, ज़्यादा कैलकुलेशन तो एरर के चांसेस ज़्यादा। खैर चलिए, आप समझ गए मैसेज। ओके, मिलेंगे फिर अगले किसी क्वेश्चन के साथ और पढ़ेंगे आईआईटी का माइंड। बाय बाय।